Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। Hi guys, good morning. क्या हो गया आप लोग ऐसे टेंशन में क्यों खड़े हैं? सब ठीक है? All good? प्राची कैसी है? प्राची ठीक है, क्यों, क्या हुआ? देखो इसे, देखो जरा कैसे बात छुपा रहा है, हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं समझता ये। बता, हम तेरे है कौन? मैंने क्या नहीं बताया, क्या छुपाया मैंने? What did I do? प्राची कहाँ है बाबा? डैड, प्राची ये देखिए, ये रही। प्राची कैसी हो तुम? अरे आप लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे प्राची? हम ऐसा बिहेव कर रहे हैं? अरे तुम कैसा बिहेव कर रहे हो? अरे आर्यन, तुझे कितने कॉल किए भाई, एक फोन नहीं उठाया तूने। अरे सॉरी यार, वो अपडेट नहीं कर पाया मैं। अच्छा तो क्या क्या बोला क्या डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट हमें प्राची का आपसे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, डॉक्टर तो बोलेंगे ही, उसे भी पता है कितने लापरवाह हो तुम। नहीं मतलब मैं अगर डॉक्टर की जगह होती ना तो अलग से डांट लगाती तुझे। अरे अभी भी डांट दे, तू उसकी माँ है, डांट उसको। रणबीर कम से कम मुझे बता देता यार। अरे मुझे खुद नहीं पता था पापा, मैं एकदम से प्राची और मैं साथ में थे, प्राची के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, वो बेचारी तड़पने लगी, मेरा दिमाग चलना बंद हो गया। अब मुझे थोड़ी पता है फॉल्स अलार्म होता है कि नहीं होता है, मुझे समझ में नहीं आया कुछ। आप लोग उससे पूछे वो ठीक है कि नहीं, मेरे से नहीं पूछा कोई मेरी मानसिक स्थिति कैसी है। आई डोंट नो, आई एम सॉरी। इसीलिए तुझसे कह रहे हैं कि तुझे हमें बताना चाहिए था, लेकिन तूने किससे बताया? आर्यन और शानक। अरे ये दोनों तो पहले ही बच्चे हैं, अगर इनके बच्चे होते और ये इनको बताता ना तो कोई और बात होती। बिल्कुल सही कह रही है दीदा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगली बार प्राची को कुछ, प्राची होगा मुझे भी कुछ होना तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा, ओके? हाँ लेकिन थोड़ी बहुत गलती तो हमारी भी है ना, मतलब हमें ध्यान रखना चाहिए था प्राची का, बट सो सॉरी, आगे से ये परेशानी नहीं होगी। यू शुड हैव बीन अ लिटिल मोर केयरफुल, बट आगे से हम पूरा ख्याल रखेंगे तुम्हारा कि तुम खुश रहो। हम सब बहुत खुश हैं और हमें लोगों को बताना है कि हम कितने खुश हैं। Actually, I have an announcement to make. मुझे सबको बताना है कि प्राची ही मेरी बहू है। And that's why मैंने तुम दोनों के लिए एक रिसेप्शन रखा है। Oh, party! Nice, I like it. है ना? अरे वाह, रिसेप्शन कब प्लान किया भाई? मुझे भी पता नहीं है ये सब तो। पार्टी की क्या जरूरत है? जरूरत है बेटा, सोसाइटी में हमारे फैमिली को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर करना है ना। मैंने तो सबको इनवाइट भी कर लिया, ऑल द इनविटेशंस आर आउट, एंड मैंने सबको कहा है कि कम एज अ कपल, किसी को भी ना बोलना अलाउड नहीं है, दे जस्ट हैव टू कम। कम ऑन, माँ और सास बनने की एक मिक्स्ड फीलिंग आ रही है, तो थोड़ा तो पैम्पर करने तो मुझे भाई। अच्छा भाई चलो अब जाओ, रेस्ट करो थोड़ा बहुत, बहुत काम है, पार्टी की तैयारी करनी है, मतलब तैयारी तुम्हें नहीं करनी है, तैयारी हम ही करेंगे, यू शुड जस्ट रेस्ट। चलो जाओ, इसे अंदर ले जाओ। और तुम भी चलो, बहुत काम है। ऑफ कोर्स, मुझे मेरा नया सूट निकालना है। मेरे दिल की धड़कन मोहब्बत है तेरी, बहुत आज मुझको जरूरत है तेरी, तुझ बिन होता नहीं मेरा गुजार। अरे पल्लवी मैम, सॉरी तैयारियों के बीच में आपका ग्रीन टी भूल गई, दो मिनट में लेके आती हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, रियली। ये देखो ये गेस्ट लिस्ट है, वैसे तो सबको इनवाइट्स भेज चुकी हूँ मैं, लेकिन ये चार लोग हैं जिनको इनवाइट्स अभी तक गए नहीं है, तो प्लीज डू मी अ फेवर, ड्राइवर को कह के चारों को आधे घंटे के अंदर ये इनवाइट्स पहुंच जाने चाहिए, ओके? एंड जस्ट सी, अगर ड्राइवर अनअवेलेबल है तो तुम खुद जाकर ये काम कर लो प्लीज, ओके? एंड जस्ट मेक श्योर ये जो गेस्ट लिस्ट है यही लोग आने चाहिए पार्टी में, ओके? बिकॉज केटरर्स को हमने उसी हिसाब से, ओके, गेट दिस डन, थैंक्स। आले मैम तो खुद ही आ गए। आले मैम, ये आपके लिए। क्या है ये? पल्ली मैम ने आपको भेज दिया होगा ना, एक मिनट में चेक करती हूँ। सॉरी मैम, ये आपके लिए नहीं है, ये तो जबरदस्ती ले गई, क्या करूँ? पल्ली मैम को बताऊं कि नहीं? नहीं नहीं, उनका मूड खराब हो जाएगा और डांट भी पड़ जाएगी।
मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी जीने के सपने देखे थे, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे साथ उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने मुझे ये कहा कि प्राची के साथ प्यार का नाटक करो। फिर प्राची से प्यार का नाटक करते करते मुझे प्राची से सच में प्यार हो गया। और कितना शौक मनाओगी तुम? उठो, तुमसे बात कर रही हूँ, बस करो ये रोना दोनों और उठो, get up! Just stop it! Just leave me alone and go! तुम्हें बचपन से लेके आज तक मैंने अकेला छोड़ा है, जो अब अकेला छोड़ दूँ तुम्हें, ये लो, पढ़ो इसे। तुम यहाँ पर अपने पास को लेकर रो रही हो, और वहाँ पर लोग अपने आने वाली लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तुम इसलिए भी रो रही हो क्योंकि रणबीर तुम्हें चाहता नहीं है। जो तुम्हें चाहिए था वो प्राची के पास चला गया। इस बात का भी रोना है कि जब तुम कोहली फैमिली छोड़कर जा रही थी किसी ने तुम्हें रोका नहीं। तुम रोने से अपनी किस्मत का लिखा नहीं बदलने वाली रिया, लेकिन उन लोगों को खुश होने से रोक सकती हो। तुम यहाँ रो रही हो एंड दे आर हैप्पी देयर। ये रणबीर और प्राची की रिसेप्शन इनवाइट है, पढ़ो इसे। बहुत कम लोगों को बुलाया है, लेकिन इम्पोर्टेंट लोगों को बुलाया है, जैसे कि डर हो कि कहीं किसी की नजर ना लगे, लेकिन मेरी नजर लग चुकी है। रिया, तुम अपना रोना नहीं रोक सकती, लेकिन तुम उन्हें खुश होने से तो रोक सकती हो ना। उन्होंने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी है। How can you let them be happy? अरे मैं तो कह रही हूँ उनके खिलाफ केस करो। पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगेंगे ना, तब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है। आखिरी बार पूछ रही हूँ रिया, तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? अरे दीदी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपको तो आराम करना चाहिए ना। आपको जो भी चाहिए मुझे बता दो, मैं रूम में लेके आ जाऊं। मुझे पता है प्रिया, मैं कुछ नहीं करने आई, बस छोले में ना थोड़ा चाट मसाला डालना था। क्या है ना, मम्मी को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ खटास पसंद है, ना कम ना ज्यादा, इसीलिए मैं करके चली जाऊं। ठीक है, आप कर लीजिए, तुम तुम्हारा काम करो, डोंट वरी। मम्मी, तुम्हें कैसे पता कि मुझे छोले में एक पर्टिकुलर अमाउंट की खटास पसंद है? मैंने कई बार देखा है, जब जब घर में छोले बनते हैं ना, आपको कभी पसंद आते हैं, कभी बिल्कुल पसंद नहीं आते, और जब जब पसंद आते हैं मैंने नोटिस किया कि तब भी छोले में एक पर्टिकुलर अमाउंट की खटास होती है, न कम न ज्यादा, बिल्कुल बैलेंस्ड। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।